अब आपके वालिद कौन थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आपकी वालदा कौन थी? हजरत लैला। आपके नाना कौन थे? अबू मुर्रा। नाना के वालिद कौन थे? उरवा इब्ने मसूद। हजरत अली अकबर के नाना के सगे चचाजाद भाई कौन थे? आपको ताज्जुब होगा, हजरत मुख्तार सखफी रिजवानुल्लाह ताला, जिन पे आजकल फैशन हमारे यहां चलने वाला है शायद कि अब उनकी मजम्मत भी हुआ करेगी मजलिसों में, अब उनकी तौहीन भी हुआ करेगी। तो हजरत अली अकबर के नाना के चचाजाद भाई थे सगे कौन? हजरत मुख्तार सखफी। पर हजरत उम्मे लैला नहीं, लैला। बाज जगह उनका नाम है उम्मे लैला, बाज जगह उनका नाम है सिर्फ लैला। तो जनाब उम्मे लैला या हजरत लैला के वालिद थे अबू मुर्रा। अबू मुर्रा के वालिद थे उरवा इब्ने मसूद। उरवा इब्ने मसूद के भाई थे अबी उबैदा, उनके बेटे थे कौन? मुख्तार, हजरत मुख्तार रिजवानुल्लाह ताला अलैह, और इनके बेटे थे अबू मुर्रा। तो ये इनकी रिश्तेदारी है, क्योंकि ये सब के सब थे कहां से? सकीफ से, सकीफी थे ये। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम भी अपनी वालदा के ननिहाल की जानिब से कौन थे? सकीफी थे। अब ये जो हमने नाम लिया इतने ऊपर तक चले गए, जनाब उरवा इब्ने मसूद, उरवा इब्ने मसूद के बारे में याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया कि ये तमाम लोगों में सबसे ज्यादा शबाहत रखते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से।